हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करूँ समस्ते भल और एग्जाम प्रिपेरेशन जोरसोर चलाई थी। ऑलरेडी हमें पेपर वन पेडागोजी और मैथ क्वेश्चन जो 2013 आसला डिस्कशन कंप्लीट कर देचु और पेपर टू पेडागोजी डिस्कशन कंप्लीट हो जाइए। आज आम ये वीडियो रे पेपर टू रे जो 2013 मैथ क्वेश्चन को डिस्कशन करवा, तो चलत डेरी न करके वीडियो टी स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देखी, The number which when added to itself 17 times it gives 162 केते दिछि 162। What is the number? हमको पूछा छि नंबर ता केते हबो, तो let the number, मु नंबर ता को नउछि x। कोन दिछि x को जते बेले तारो 17 टाइम्स हो तो ऐड करछु आमे 17 टाइम्स को लिखते ला 17x 17 टाइम्स से तो जब तोड़े ऐड कर चुके हैं, आमकु मिलुची 162। तो आमकु पूछे ची ए संख्या डे कितने माने कौन? X फाइंड कर दिला, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखो, that implies 18x equals to 162. That implies x equals to 162 by 18. तो आंसर कितने ही जीवो? 162 by 18, which is equals to 9. So option C is the करेक्ट ऑप्शन। बुझा पड़ला समस्त को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अबे करियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 कौन दीजिए? व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ कंपाउंड एंड प्राइम नंबर बिटवीन 32, 60 कंपाउंड नंबर अच्छी प्राइम नंबर अच्छी डिफरेंस पचार मतलब कह कंपाउंड नंबर कहले कौन आउ प्राइम नंबर कहले कौन? प्राइम नंबर कहले तो समस्त मन थी, प्राइम नंबर कहले जोटर केवल तार फैक्टर किए था नंबर इट सेल्फ तेज कही था प्राइम नंबर। कंपाउंड नंबर कौन तार अपोजिट कला जो थ्री वे नंबर इट सेल्फ व्यतीत भी अन्य नंबर था कंपाउंड जौगिक संख्या कह जाए। तो ये आमको भितर फाइंड करार अच्छे 30 रु 60 भितर, तो 30 रु 60 भितर समस्ते काउंट कर देख नंबर अफ प्राइम प्राइम नंबर के प्राइम नंबर प्राइम नंबर के प्राइम नंबर आमर अच्छी 8 टी। तो नेक्स्ट कौन है कंपाउंड नंबर के कंपाउंड नंबर अच्छी देख आमर 23। तो आमको कौन पचार कंपाउंड नंबर आउ प्राइम नंबर भितर डिफरेंस के 23 - 18 व्हिच इज इक्वल्स टू 15। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कते 15 अच्छी आमर कंपाउंड आउ प्राइम नंबर भितर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देख एटा पचार व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन टा तुम मानक देटा तार डिग्री पचारे फास्ट मत कह डिग्री कहले कौन? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? गोटे पॉलिनोमियल डिग्री कहले कौन? गोटे पॉलिनोमियल जोटा कौन डिग्री कहले इन जनरल हाईएस्ट पावर कौन? हाईएस्ट पावर गोटे पॉलिनोमियल जे जो संख्या रा हाईएस्ट पावर थी सेटा हला तारो पॉलिनोमियल। तो हमको देख एटी देखो इक्वेशन टा केते दीची 6x³ - 2x + 3 इक्वल्स टू केते अछि 2x + 5 * 3x² - 2x + 3 करेक्ट। या को मुडी के सिंपलीफाई कर दोची तो केते गला 6x³ - 2x + 3 इक्वल्स टू 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई करले हला डा 6x³ - 4x² + 6x + 15x² - 10x + 15 करेक्ट। एटी देखो 6x³ कैंसिल आउट ही जीवो, तो बाकी आउ किछ सिंपलीफाई करया दरकार नहीं। तो देखो ए पूरा इक्वेशन टरे पूरा इक्वेशन टा जो अच्छी हाईएस्ट पावर कितने अच्छी हाईएस्ट पावर आमर 2 अच्छी, तो कौन है गला डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितने ही जीबो 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समस्त को बुझा पड़ला डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहले कौन? आज रे मन पकई दउ छी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहले जोटा भी तुम पॉलिनोमियल टा दिया ही थिबो तार हाईएस्ट पावर को आमे कहि थाउ डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रूट्स हैज गोटे इक्वेशन टा तुमको दे छी लिनियर इक्वेशन टा सेथरा रूट रूट्स पचार। तो फर्स्ट मत कह नंबर ऑफ रूट्स के फाइंड कर जोटा तार डिग्री हम नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू द डिग्री
ऑफ द पॉलिनोमियल गोटे पॉलिनोमियल रो जोडा तार डिग्री हबो सेति कि नंबर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करि पाइबा जेमति गोटे लीनियर इक्वेशन रे केतटा रूट बाहरिबो लीनियर इक्वेशन रे डिग्री केते थाय 1 तो सेति हमें केतटा रूट बाहर कर पाइबा गोटे सेमति क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे तार केतरी डिग्री केते थाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो 2 तो नंबर ऑफ रूट्स केते हबो 2 बुझा पडला समस्तनको तो एटा देखो एई जो इक्वेशन टा एटा गोटे लीनियर इक्वेशन टा एथिरे हाईएस्ट पावर केते अछि x रो हाईएस्ट पावर अछि 1 तो ये कितने टा रूट बारी बो तो ही जी बो आंसर ए करेक्ट ऑप्शन ही जी बो कितने टा रूट बारी बो हमारा गोटे रूट बारी बो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी जी व्हाट इज द वैल्यू व्हेन -6q प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोड फ्रॉम करियर अछि 4 प्लस 3x प्लस 2x² प्लस एक्स क्यू एडा को हमको सब्सट्रैक्ट करियर अछि तो कोड फर्स्ट कोन जी फ्रॉम द लिखिया कोन हला 4 प्लस 3x प्लस 2x² प्लस एक्स क्यू एडो कहा को सब्सट्रैक्ट करियर अछि माइनस माइनस कोन हिगला माइनस एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 करेक्ट तो देखो माइनस करो कोन हिगला ब्रैकेट ओपन करले 4 प्लस 3x प्लस 2x² प्लस एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 4 करेक्ट तो ये देखो 4 4 को कैंसिल करला 3 3 को कैंसिल करला 2 2 को कैंसिल करला बचला केते केवल एक्स क्यू तो हे गला 2x³ सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीची a to the power 4 equals to 81 by 625 then the value of a a रो पचारछि तो ये देखो a to the power 4 को केते दीछि 81 to the power by 81 by 625 बोथ साइड रे 1 by 4 करले केते हि जबटा देखो a to the power 4 होल टू द पावर 1 by 4 व्हिच इज इक्वल्स टू मैं आपको लिख परबी 81 को 3 टू द पावर 4 625 को मु केते हबो कहारो 5 टू द पावर 4 करेक्ट 5 5 25 5 125 5 625 तो एडी देखो होल बोथ साइड रे 1 by 4 करली करेक्ट तो केते हे गला a इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3 by 5 करेक्ट बुझा पडला समस्तन को केही भी भूल रे तरतर रे सी को मारी बी को मारी के आसीबनी जेतु कोन पई देखो जदी मु -3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो छी -3 इनटू -3 इनटू -3 तबे भी 81 आस छी ना से दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दी छी व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट मते कहो एक्स रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स केते हबो एक्स रो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हबो 1/x 1/x रो एडिटिव इनवर्स केते -1/x सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन 97 समस्त को बुझा पडला ना मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स आई होप समस्त जानथिबो आउ तर कह दउ छी देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का गोटे नंबर रा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहले सेही नंबर ता सहित जो नंबर आमे मल्टीप्लाई करले तारो प्रोडक्ट ता 1 आसीबो सेहीटा हेगला तमरो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बट एडिटिव इनवर्स कोन एडिटिव इनवर्स कहले गोटे नंबर दिया हिची ता सहित जो नंबर ता को ऐड करले तारो जोडा आसीबो रिजल्ट ता दिस विल बी 0 देन दिस इज कॉल्ड एज एन एडिटिव इनवर्स एटा हेगला तारो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको क्वेश्चन पचार छि कारो एक्स रो फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन तारो एडिटिव इनवर्स बुझा पडला समस्तनको सो -1/x इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि 5 - 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 8 माइनस इन ब्रैकेट रे कोन दिछि ब्रैकेट रे दिछि हमरो 5 प्लस 2 माइनस 1 ऊपर बार को सरल कले केउटी द्वितीय सोपान रे हबो सेकंड स्टेप रे कोट आसीबा मन को पचर छि तो सेकंड स्टेप रे जते बडे भी करबा सॉल्व करबा ए जो ए इक्वेशन टाकु जते बडे भी इक्वेशन त नै एटा जोडा देछि ताकु जते बडे भी हम सॉल्व करबा सेते बडे फर्स्ट कोन हबो फर्स्ट हम इन ब्रैकेट रो काम करबा तो ब्रैकेट रो काम कले एथरे कोन हि जइबो
प्लस टू माइनस वन ऊपर बार अच्छी तो यहाँ को फर्स्ट सॉल्व करिबो तो कौन है फाइव प्लस वन सो ऑप्शन सेकंड स्टेप रे कौन होगा फाइव प्लस वन सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी थी डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर व्हिच मेथड इज इट कॉल्ड एटा को कौन कहते हैं हमरो यूक्लिडियन मेथड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट नंबर 100 कौन दीजिए आफ्टर गिविंग 33 होल 1/3% ऑफ डिस्काउंट ऑन ए मार्क प्राइस द सेलिंग प्राइस बिकम 96 नेक्स्ट व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमको पचाछे मार्क प्राइस केते तो देखो सपोज तारो मार्क प्राइस हैला x x रे से केते देला 33 होल 1/3% डिस्काउंट तो से केते देला 100 बाय 3% रो डिस्काउंट देला करेक्ट 100 बाय 3% रो डिस्काउंट देला त माने कोन से टोटल x रो केते परसेंट डिस्काउंट देला x रो देला सीए x बाय 3 करेक्ट x बाय 3 से रुपीस से डिस्काउंट देला यदि x रे यदि हमरो मार्क प्राइस थाय मार्क प्राइस रो से x बाय 3 केते होची 100 बाय 3% तो सेति के रुपीस से डिस्काउंट देला तो हमें लिखि परबा x माइनस x by 3 equals to 96 mark price रू discount को minus कर दिले जोटा ही जिमो सेड़े तर selling price तो याको solve पर किना आमको कौन पुछे ची mark price केते तो हमें mark price को केते नहीं चू x तो a equation डाको solve कर ले केते ही गला 3x minus x by 3 equals to 96 next कौन है ला 2x minus by 3 equals to 96 next 2x equals to 96 into 3 x is equals to x रो वैल्यू टू पाई जबो हमें 96 into 3 by 2 which is equals to केते आछी 144 so option b is the correct option समस्तन को बुझा पड़ले ना हमें कोन लेले हमको पचार छी मार्क प्राइस केते मार्क प्राइस टा को मुने ली x मार्क प्राइस रो डिस्काउंट से केते देला 100 by 3% x रो 100 बाय 3% केते होउची x बाय 3 रुपीस तो मार्क प्राइस रो डिस्काउंट को माइनस कर देल त सेलिंग प्राइस आसीओ ना ते इक्वेशन को सॉल्व करकी तो हम माने कोन मार्क प्राइस बाहर कर परबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दीची राम ब्रॉट 7 लेमन इन आरएस 3 एंड गोपाल 41 लेमन इन आरएस 19 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन दीची राम ब्रॉट इन चीप रेट नेक्स्ट गोपाल ब्रॉट इन चीप रेट नेक्स्ट बोथ परचेज्ड एट सेम रेट नॉन ऑफ दिस तो देखो राम कौन कला ना राम सातटा लेंबू को केते टंका रे नेला 3 टंका रे तो ताको गोटे लेंबू केते टंका लेखाई पडिला 3/7 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.42 नेक्स्ट नेक्स्ट कहा केस देखिबा नेक्स्ट की अछि रेथरे गोपाल गोपाल कोन कला ना 41 टा लेंबू को आनिला केते टंका रे 19 टंका रे तो ताकू गोटे लेंबू केते लेखै पडिला 19 बाय 41 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.46 तो ता तो कहा को राम को ना गोपाल को कोटा को कहा को ए गोटे लेंबू को कम दाम पडला राम को गोटे लेंबू को कम दाम रे पडला से केते 0.46 रे आनि छि किंतु गोपाल ताकू आनि छि केते सॉरी जी राम आनी छी ताकू 0.42 रुपीस देकी गोटे लेंबू को बट गोपाल आनी छी गोटे लेंबू को 0.46 रुपीस देकी तो कोन लेठी आंसर हे जीवो राम ब्रॉट इन चीप रेट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पडला समस्तन को एटा नेक्स्ट क्वेश्चन 102 रे कोन दे छी हमर देखो इफ 3a इक्वल्स टू 5b एंड 4b equals to 6c then पचार छी a is to c केते हबो त हम इक्वेशन दीटा केते केते दी छी 3a equals to केते अछि 5b एंड आ गोटे कोन दी छी 4b equals to 6c तो बोथ इक्वेशन रे देखो b टर्म टा कॉमन अछि करेक्ट मु जदी एडा को एमती कर दे एठी देखो ठीक है a equals to b हेला आउ b equals to c हुए that implies I can write a equals to c सेम थी देखो किंतु एठी मोर केते अछि 5b अछि एठी केते अछि 4b अछि ए दिटा को मु इक्वल करिया पय गोटे नंबर जदि बोथ साइड रे फर्स्ट इक्वेशन रे 4 मल्टीप्लाई करली त कोन हे गला एटा 12a equals to 20b
सिमिलरली सेकंड इक्वेशन रे मु 5 मल्टीप्लाई करले एटा केते हे गला 20b इक्वल्स टू 30c हे गला मोर एडा को सटिस्फाई देखो b रो दीरे जगह रे वैल्यू समान हे गला एठी भी 20b हे गला एठी भी 20b हे गला तो हियर आई कैन राइट 12a इक्वल्स टू 30c करेक्ट हमको पचे छि a बाय c रो केते हबो a बाय c इक्वल्स टू कोन हि जबटा 30 बाय 12 करेक्ट एतिक बजन तो बुझा पड़ला तो 30 बाय 12 व्हिच इज इक्वल्स टू 5:2 तो करेक्ट ऑप्शन ही कोन था ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पड़ला समस्तनकु एमती क्वेश्चन आसीले केमती सॉल्व करा हबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छि नेक्स्ट क्वेश्चन एडी के फिगर टर्म मिक्स अप हे जाय छि एडी देखो कोन दी छि इन द गिवन फिगर इसी मोटी फिगर टाउ थोर ड्रा कर दो छि देखो द नेमिंग कोन कोन दी छि एटा दी छि ए एडा दी छि बी हां एडा हो छि बी एडा हमर हो छि सी कोटा दी छि कि रे एडा दी छि सी एटा डी एटा हैला ओ एंड एटा हैला ई हैला एडा फिगर ता छि नेक्स्ट ऊपर क्वेश्चन पढ़ दबा दत्त चित्र रे ईसी इज पैरेलल टू एबी कोन दी छि ईसी इज पैरेलल टू एबी करेक्ट नेक्स्ट M एंगल ECD कोटा दिछि ECD रो एंगल हमकु दिछि केते 70 डिग्री एडा गिवन अछि नेक्स्ट आ गुटे कोन दिछि BDO कोडाला BDO हमकु दिछि केते एडा बाहर लिखछि 20 डिग्री नेक्स्ट कोन पचरछि बेले M एंगल OBD केते हबो O बी डी ए एंगल टा केथा पचर छी तो एबे देखो हमकु गिवन अछि ई सी इज पैरेलल टू ए बी करेक्ट ई सी इज पैरेलल टू ए बी हेले एंगल एंगल ई सी डी सहित को एंगल टा समान हबो एंगल ए ओ डी करेक्ट सॉरी ए ओ डी एटा हां एंगल ए ओ डी कोन पे समान हबो बिकॉज़ दे आर करस्पोंडिंग एंगल्स सो आई कैन राइट दिस वन इज 70 डिग्री तो एडा केते हे गला मोर 70 डिग्री एडा 70 डिग्री हेले एई दीटा सप्लीमेंटरी एंगल एंगल ए ओ बी एंड डी ओ सॉरी कोन हैला एंगल ए ओ डी प्लस एंगल एंगल DOB देयर सप्लीमेंटरी एंगल तो तांको सम केते हबो 180 डिग्री एठो त माने आराम से एंगल DOB फाइंड कर परबो केते हे गला 180 माइनस 70 व्हिच इज इक्वल्स टू 110 तो ए एंगल दा मते मिलला केते 110 तो एबे त माने पूरा सहज रे ए एंगल दा जोडा क्वेश्चन रे मागी छि ताको बाहर कर परबो केते हे गला 180 माइनस देयरफॉर एंगल डी बी ओ इक्वल्स टू केते हि जिवो 180 माइनस 110 प्लस 20 करेक्ट व्हिच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 तो केते हि होला 50 डिग्री सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन समस्त बुझा पडला ने केमती हला चलो आउ थरे मु शॉर्टकट रे कह दो छी देखो ए एंगल टा सहित जोडा छि ई सी डी एंगल सहित को एंगल टा समान अछि ए ओ डी इज देयर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल हेले एडा भी होला 70 डिग्री बट ए ओ डी प्लस डी ओ बी मिसि के केते करंती 180 डिग्री तो एठो तमरो से डी ओ बी एंगल टा पाइ गलो एडा मिल गला परे दीटर ट्राइंगल सम करदब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल कहले कौन बहिस्थ कौन तो देखो एटा गोटे ट्राइंगल है गोटे एक्सटीरियर एंगल एटा गोटे एक्सटीरियर एंगल एटा गोटे एक्सटीरियर एंगल वन टू सिमिलरली ए वर्टेक्स रे भी दीटा हम ए वर्टेक्स रे भी दीटा हम तो टोटल के टोटल हो गला 6टा सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी व्हेन द बेस ऑफ टू और मोर देन टू ट्राइंगल्स लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन
एंड देयर वर्टेक्स इज वन देन द ट्रायंगल आर एटा कोन हिजबो ऑप्शन सी कोन हिगला विथ सेम हाइट करेक्ट ऑप्शन हिजबो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि हाउ मेनी कॉमन साइड्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल दीटा एडजेसेंट एंगल रो कॉमन साइड केतेटा थाय एबे मते कहो एडजेसेंट एंगल बा सन्निहित कोन कहिले कोन एडजेसेंट एंगल मु कहि दोछि देखो एडजेसेंट एंगल का को कहा जाए जोटर की दीटा एंगल को हमें एडजेसेंट एंगल कहिबा जेते बेले तांकर गोटे कॉमन वर्टेक्स थिबो आउ गोटे कॉमन साइड्स थिबो ए दीटा एंगल को देखो ए दीटा एंगल धरा जबटा ए ओ बी सी कोन हैला एंगल ए ओ बी आउ कोन बी ओ सी दिस आर एडजेसेंट एंगल्स व्हाई देखो मु फर्स्ट कंडीशन कोन कहितली दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स ओ तंकर कॉमन वर्टेक्स हे गला एंड हैव कॉमन साइड्स कोन अछि ओ बी तंकर कॉमन साइड्स कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड्स केते अछि ओ बी करेक्ट सो दीस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल बुझा पडला समस्तंकु जेटी क्वेश्चन ने कोन पचछि हाउ मेनी कॉमन साइड्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल तो दीटा एडजेसेंट एंगल केतना कॉमन साइड थे एबे कहली गोटे बुझा पड़ला समस्त को एडजेसेंट एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 107 कौन दी छी व्हाट इज द शेप फॉर्म बाय ए कोड एंड इट आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर्क ऑफ ए सर्कल तर करेक्ट आंसर कौन हिजबो ऑप्शन नंबर बी समस्त मते कमेंट सेक्शन रे सर्कल रो आर्क कौन सर्कल रो कोड कौन आ सर्कल रो सेक्टर कौन मते समस्त कहबे कौन कहबे समस्त सर्कल रो आर्क कौन नेक्स्ट हला कोड कौन आउ कौन सेक्टर कौन एगुड़ा समस्त मते तीन टा डेफिनेशन कमेंट सेक्शन रे डेफिनेटली लिखिकी जणेबो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 कौन दिछि देखो एबीसीडी ट्रापीजियम रे इन ट्रापीजियम एडी एबीसीडी छड जेछि इन ट्रापीजियम एबीसीडी एबी इज पैरेलल टू सीडी देन हमको कहार पचछि एसी रो स्क्वायर प्लस बीडी रो स्क्वायर रो वैल्यू कते हबो तो फर्स्ट कोन करिया ना गोटे ट्रापीजियम टे ड्रो करबा एडा हमर गोटे ट्रापीजियम हैला एबीसीडी ट्रापीजियम करेक्ट एटी देखो ए बी सी डी ट्रापीजियम टे ड्रो करबा तो हमकु कोन पचारछि एसी रो स्क्वायर प्लस बीडी रो स्क्वायर कते हबो एडा पचारछि क्वेश्चन ने हमकु तो चलो फर्स्ट ड्रो करबा एसी ए रो सी पॉइंट को जॉइन करलु तापर कोन हैला बी डी करेक्ट तो देखो एडे तार रिलेशन बाहर करया पई गोटे तो मनकु कंस्ट्रक्शन रे ड्रा करया कोन हबो ना ए पॉइंट रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करबो कोठीकु डी सी डी लाइन कु तो एटी कोन हेगला एटा हेगला धरा जाऊ मोर ई पॉइंट सिमिलरली बी रु गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करलो सी डी कु जोडा हेला तमरो एफ पॉइंट मु लेट नेली ठीक अछि नाउ लुक एट ट्रायंगल इन ट्रायंगल को ट्रायंगल नेबि मु ए ए ए ए ए को ले राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी रे मु कोन लिख परबी ए सी रो स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई रो स्क्वायर प्लस ई सी रो स्क्वायर करेक्ट इक्वेशन 1 नेक्स्ट इन ट्रायंगल नेक्स्ट ट्रायंगल दनाबा B, D, आउ F इन कौन दी B, D, F ट्रायंगल रे कौन हैला B, D रो स्क्वायर इक्वल्स टू कौन लिख पारि मु B, F रो स्क्वायर प्लस D, F रो स्क्वायर एतिक बजन समस्त को बुझा पड़ला नाउ मते रिक्वायर कौन अछि एसी प्लस एसी रो स्क्वायर प्लस बीडी रो स्क्वायर तो ए दिटा को मु लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देले मोर लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ जइबो तो कोन हे गला एसी रो स्क्वायर प्लस बीडी रो स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ऐड करली तो आरएचएस भी ऐड करबी तो कोन हे गला एई रो स्क्वायर प्लस ईसी रो स्क्वायर प्लस बी एफ रो स्क्वायर प्लस डी एफ रो स्क्वायर एतिक बुझा तो बुझी पालो ना समस्ते
नेक्स्ट देखो नेक्स्ट स्टेप रे मो इ साइड लिख छिडी एटा एलएचएस एजीटीज रहइबो हला एटा सेम रहइबो नेक्स्ट देखो कोन दिछि ए ई ए ई इन ट्रायंगल साइड रे लिख छि इन ट्रायंगल ए डी ई रे मो लिखि परबी ए डी रो स्क्वायर इक्वल्स टू केते ए ई रो स्क्वायर प्लस ई डी रो स्क्वायर करेक्ट तो दैट इंप्लाइज हमको रिक्वायर कौन अच्छी ए ई रो स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी रो स्क्वायर माइनस डी ई बा ई डी रो स्क्वायर एती पर्यंत बुझा पड़ला तो इन प्लेस ऑफ ए ई आई कैन राइट दिस टर्म तो इन प्लेस ऑफ बस मु ए ई जगह रे डाकू रिप्लेस करू छी ए ई रो स्क्वायर कौन हैला ए डी रो स्क्वायर माइनस डी ई रो स्क्वायर करेक्ट प्लस ई सी को मु एज इट इज रखु छी तो एडा हे गला ई सी रो स्क्वायर सिमिलरली सेकंड पार्ट ता पाई बी एफ बी एफ पाई मु ए ट्रायंगल डाकू बी एफ सी ट्रायंगल को नोटिस करो समस्ते बी एफ सी ट्रायंगल ले बी एफ रो स्क्वायर केते हि जिवो बी सी रो स्क्वायर माइनस एफ सी रो स्क्वायर तो कोन हे गला बी सी रो स्क्वायर माइनस एफ सी रो स्क्वायर प्लस डी एफ रो स्क्वायर को एज इट इज मु रखु छी एतकि पर्यंत समस्त बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन करिया ना नेक्स्ट मु नेक्स्ट स्लाइड रे आंसर टा कर दउ छी नेक्स्ट स्लाइड रे मु सेतरे एलएचएस को एज इट इज रहला कोन थिला ए सी रो स्क्वायर प्लस बी डी रो स्क्वायर लेफ्ट राइट हैंड साइड टा मु आउथ लिख दउ छी राइट हैंड साइड टा हमर कोन थिला ए डी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर माइनस डी ई रो स्क्वायर प्लस ई सी रो स्क्वायर माइनस एफ सी रो स्क्वायर प्लस डी एफ रो स्क्वायर तेरे जोड़ा थी प्रीवियस स्लाइड रे मुझे बस ये लिख देली तो ये देख नेक्स्ट कौन करवा एबे ए डी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर माइनस डी यू डी ई को मु एज इट इज रखु छी प्लस ई सी को देखो समस्त देखो ई सी कोन दी छी ई सी अछि ई सी को मु लिखि परबी ई एफ प्लस एफ सी हो कि नहीं एडा को देखो एडा हम तमरो ई सी को मु दिना पार्ट रे डिवाइड कर देले गोटे हला ई एफ प्लस एफ सी सेटा को मु लिखु छी एडा कोन हे गला ई सी जगह रे लिखि परबी मु ई एफ प्लस एफ सी रो होल स्क्वायर एति पर्यंत समस्त को बुझा पड़ला नेक्स्ट नेक्स्ट कौन हैला ना प्लस डी ई एज इट इज ई सी जगह रे एटा लिखली माइनस एफ सी को एज इट इज रहया को देबा नेक्स्ट कौन दे छी डी एफ देखो एडा हैला डी एडा हैला एफ तो याकु मु लिखि परबी डी ई प्लस ई एफ करेक्ट डी ई एडा एडा हैला ई एफ टोटल मिसि गले हे गला तमरो डी एफ चलो डी ई जगह रे लिखो डी ई प्लस ई एफ रो होल स्क्वायर एति बजन समस्त को बुझा पड़ला नेक्स्ट स्टेप रे सॉल्व करले कोन हे गला ए डी रो स्क्वायर प्लस BC रो स्क्वायर प्लस बस ब्रैकेट ओपन करियार अछि एबे DE रो स्क्वायर AG टीच प्लस A प्लस B रो होल स्क्वायर रो फार्मूला कोन हे गला EF रो होल स्क्वायर प्लस FC रो होल स्क्वायर प्लस 2 EF इनटू FC प्लस सॉरी माइनस FC रो होल स्क्वायर प्लस एटा कौन थिला डी एफ आउ ई एफ तो याकु लिखले हला डी एफ रो होल स्क्वायर लिख दबा कौन थिला डी ई आउ ई एफ कौन हला एटा डी ई करेक्ट डी ई रो होल स्क्वायर प्लस ई एफ रो होल स्क्वायर प्लस
टू इंटू डी इंटू एफ एतिक पर्यंत समस्त को बुझा पड़ला एबे चलो जो टर्म गुडा कैंसिल हो छी ताको फर्स्ट कैंसिल कर नबा एटी देखो प्लस डी अछि एटी माइनस डी अछि कैंसिल आउट हेला नेक्स्ट नेक्स्ट रेटेड प्लस एफ सी अछि एटी माइनस एफ सी अछि कैंसिल आउट हेला तो हमर रिमेनिंग पार्ट केते रहला ए डी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर प्लस एटी हेला ई एफ रो स्क्वायर प्लस 2 ई एफ इनटू एफ सी प्लस बाकी जति के टर्म रहला मु ताको बस ए जी टी रख लेखु छी प्लस 2 डी ई इनटू ई एफ एति बन समस्त को बुझा पड़ला नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप रहला ए डी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर प्लस ई एफ रो स्क्वायर एठी बे छी ई एफ रो स्क्वायर तो एटा हो गला 2 ई एफ रो स्क्वायर बाकी टर्म को ए जी टी जी लिखो हेला चलो नेक्स्ट ए डी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर प्लस 2 ई जदि कॉमन गला एठी तमरो 2 ई एफ कॉमन गला तो केते केते रहिला ई एफ रहिला प्लस एफ सी प्लस डी करेक्ट तो एबे देखो नेक्स्ट प्रीवियस चित्र गुट के देख दबा डायग्राम को डायग्राम रे कोन दिछ हम देखो ई डी ई एफ सी प्लस ई एफ केते हो छी डी सी करेक्ट तो मोठी कोन लिखबी ए प्लेस रे कोन हेबो एटा रिप्लेस हे गला कोथरे सम टा हे गला डी सी आउ देखो कोन छी ई एफ कहां सहित समान अछि ए बी सहित यार लेंथ तो एटी मु ई एफ जगह रे केते लिखि परबी ए बी करेक्ट तो एटा कोन हे गला फाइनल आंसर ए डी रो स्क्वायर प्लस बी सी रो स्क्वायर प्लस 2 ए बी इनटू डी सी देखि दबा को ऑप्शन रे अछि सो ऑप्शन रे अछि ऑप्शन नंबर डी रे सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन जो मैंने भी एडा बुझि पाइलो फर्स्ट थरे बहुत भल कथा जो मैंने बुझि न पाइलो ताकु दी तीन थरे प्रे करिकि स्लो रे ठीक है देख दबो समस्त बुझि पाइलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि नेक्स्ट क्वेश्चन दैछि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन व्हिच टू नॉन पैरेलल लाइन विल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर कोन दिछि हमकु मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बात करयार अछि जो थरे कि नॉन पा पांचटा केतने दिछि नॉन पैरेलल लाइन द मैक्स पांचटा नॉन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करबे तो ये देखो कोन हे गला द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स कोन हो द जत्ते थोर दीटा लाइन एक ईच अदर को टच करछन से सेला पर मैक्सिमम नंबर हे जीवो तो देखो एठी हमर टोटल अछि पांचटा लाइन तो हमर दीटा लाइन कट करले गोटे पॉइंट आसी जीवो तो मु याकु केतेटा पॉइंट रे कट करया पई केमती बाहर करबी 5 सी 2 करेक्ट एन सी पी रो फॉर्मूला मन अच्छे ना समस्त एन सी पी कौन थी एन फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल इनटू एन माइनस पी फैक्टोरियल करेक्ट तो ये देख पांचटा मोर टोटल लाइन थिला दीटा लाइन को इंटरसेक्ट कले मोर गोटे पॉइंट आसी दैट्स व्हाई टोटल केतटा पॉइंट आसीबो 5 सी 2 तो कोन हेगलाटा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस p 5 माइनस 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल समस्त घर मन थिबो तो देखो इटे मुडी के लिख दो छी n फैक्टोरियल को हमें केमति लिखि थाउ 1 इनटू 2 इनटू 3 अप टू केते अप टू n सिमिलरली गोटे एग्जांपल दे दो छी तमरो 5 फैक्टोरियल दे दो छी चलो 5 फैक्टोरियल को मु केमति लिखिबी 5 इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1 जति के होबो सेटा हला 5 फैक्टोरियल रो आंसर तो इ देखो केते हे गला 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल तो चलो एडा केते हे गला 5 फैक्टोरियल 5 इनटू 4 इनटू 3 फैक्टोरियल को याकु लिख परबी 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 इनटू 2 इनटू 1 जेहेतु मोर डिनोमिनेटर 3 अछि तें कि नामे 3 फैक्टोरियल जे लिखली बाय बाय केते हे गला 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल
अदरवाइज तुम 3 टू 1 में लिख पारिबो एडा रे भी 3 टू 1 लिखले ई जदर को कैंसिल होबो दैट्स व्हाई मु लिखलीनी एडा ला 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हे गला त रहिला केते 5 * 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल केते 2 * 1 तो हला 2 2 जा 4 5 2 जा 10 सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन केतेटा पॉइंट रे इंटरसेक्ट करबे मैक्सिमम मैक्सिमम 10 टा पॉइंट रे इंटरसेक्ट करबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 110 नंबर क्वेश्चन रे अछि From the following figure, which have no symmetrical axis. First, मते कुआ symmetrical axis कोई लेको. Symmetrical axis कोई ले. बोटे it is a line which divides an object into two equal parts. जब ती धरा जाओ बोटे मुनो उची ये ठीक बोटे. आयत चित्र देने ले. आयत चित्र रे a line टा मु जो a मौजूदे जो line टा draw कर ली. A line टा a rectangle को दी टा equal parts से divide कर ची. तेरो कुना this is a symmetrical axis for रेक्टांगल सिमिलरली एठी गोटे देख एठी जदी मझिरे मु गोटे ड्रॉ करे तो कोन होला दिस इज आल्सो यार ऊपर हाफ जेंती देखा जाउ छी तोड हाफ भी सेंती देखा जाउ छी सो दिस इज ए सिमेट्रिकल एक्सिस एडा हे गला हमरा रेक्टांगल्स पई तो हमर क्वेश्चन रे कोन पछि छी नो सिमेट्रिकल एक्सिस तो फर्स्ट रेक्टांगल आमे देखलु सिमेट्रिकल एक्सिस अछि सिमिलरली मु जदी धरा जा गोटे सर्कल टे ड्रॉ करली एडा तमरा सर्कल टे हेला एडा को मु एडा भीतर सिमेट्रिकल एक्सिस हबो यार एठी गोटे आ गोटे सिमेट्रिकल एक्सिस हबो तो कोन हेगला सर्कल रो भी हमर कोन छि सिमेट्रिकल एक्सिस सिमिलरली पैरेललोग्राम रो भी सिमेट्रिकल एक्सिस अछि किंतु विषम बाहु त्रिभुज रो कोन हे ना सिमेट्रिकल एक्सिस नै धरा जो एडा तमरा गोटे विषम बाहु त्रिभुज जार तीनटा साइड अलग अलग एठी मु जेमिति भी ड्रॉ करले कोठी भी देखो दीटा साइड देखो एका देखा जाउनी तो कोन हेला विषम बाहु त्रिभुज रे जो नो सिमेट्रिकल एक्सिस सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन बुझा पड़ला समस्त को नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट रे कोन दीची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग मैथमेटिक्स टेक्स्टबुक कोटा प्रिंसिपल टा टेक्स्टबुक प्रिपरेशन रे यूज हे नथाय फर्स्ट ऑप्शन कोन दीची लर्नर सेंटर कहले जो भी हमरा मैथमेटिक्स टेक्स्टबुक टा में प्रिपेयर करबो ता ऑब्वियसली गोटे लर्नर को सेंटर रे रखी के माने तार कॉग्निटिव लेवल केते से को लेवल रो कले से बुझी परबो सेटा को करके हमें प्रिपेयर करथो तेन कना ऑप्शन एडा करेक्ट अछि तापर कोन दीची फ्लेक्सिबल एंड रिलेटेड टू रियल लाइफ हमें जो जी मैथ रो गोटे कंटेंट टा को रियल लाइफ रे तार कोटी यूज हेले तो कौन ला पढ़ाटा अधिक इंटरेस्टिंग होगा तो ये कौन ला ऑप्शन नंबर बी भी अच्छी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन ने कौन दी ची कोरिलेशन विथ अदर करिकुलर सब्जेक्ट माने जेम जी धरा जाऊ गोटे मैथ गोटे सब्जेक्ट अच्छी मैथ रहा हमारा साइंस सहित इंटरलिंक अच्छी नेक्स्ट ला तार ईवीएस सहित इंटरलिंक अच्छी सब इच अदर सब्जेक्ट इच अदर सहित इंटरलिंक था तो कौन ला कोरिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट भी गोटे प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक किंतु नेक्स्ट लास्ट कौन दी ची इनफ्लेक्सिबल कंटेंट तो एटा कौन हेगला इनफ्लेक्सिबल कंटेंट केबे भी गोटे मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक रे रहिबनी सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि ए टेस्ट मेजर्स दैट इट इंटेंड टू मेजर एडा ला बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट एडा पेडागोजी रे भी पढि थाय आ एथरे एडा पूरा डायरेक्ट स्टेटमेंट है कोन दिछि ए टेस्ट मेजर दैट इट इंटेंडेड टू मेजर व्हिच क्वालिटी ऑफ टेस्ट डज इट इंडिकेट्स तो तारो आंसर कोन हिजिबो एडा हिजिबो वैलिडिटी एडा कोन को मेजर करथाय वैलिडिटी जते बेले हमें पेडागोजी रो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ चैप्टर ता को भल से पढिबा सते बेले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट अछि सेथिरे एगुडा को सब गुडा को टेस्ट कवर करबा ठीक अछि एबे पे मन रखथाउ जे ए टेस्ट मेजर दैट इट इंटेंडेड टू मेजर सेटा को से कैरेक्टरिस्टिक को कोन को जेथे हमरो वैलिडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि प्रायोरिटी इज टू बी गिवन On which ability during the initial stage of teaching mathematics in primary school mu kali bhi koithili jete bele bhi tomaro deithibo ko stage ra deichi ko school la pilang ko pai deichi taku bhalse dekhibo ethi amar kon deichi primary school pilang ko pai primary school pilang ko pai dekho kon deichi priority kouda ko diya jibo to kon hela first number identification and counting correct option hela thik laguchi बाकी गुडा कुछ सेम देख दबा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर गोटे आमे केबे भी प्राइमरी स्कूल छुआ को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जेमती जो 1 क्लास रे पढुची 2 क्लास रे पढुची एते जों ताको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाई न दै त कोन होला ऑप्शन बी डा हे गला रॉन्ग ऑप्शन नेक्स्ट कोन दिछि एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल सिंबल जे धरा जाओ तमरो जेमती को भी सिंबल हला एडिशन सबट्रैक्ट कोन को कोडी ऐड होची ताको गुडा प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स को सिखाई न थाय तेनो किना ऑप्शन सी भी हे गला रॉन्ग ऑप्शन नेक्स्ट मेजर ऑफ हाइट एंड वेट एटा तो बिल्कुल भी नहीं तो कोन हे गला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन कोन हे जेबो क्वेश्चन नंबर 113 रो आंसर हे गला ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ टॉप मोस्ट मैथमेटिकल एबिलिटी, कोटा टॉप मोस्ट मैथमेटिकल एबिलिटी अटे, जमी कौटा पूरा हाइस्ट लेवल मैथमेटिकल गोटे लुक हाइस्ट आम के कहे लोकटी है हाइस्ट लेवल से मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाछे तो कौन दीजिए राइटिंग मैथमेटिकल डेफिनेशन बिल्कुल भी नुह मैथमेटिकल डेफिनेशन देखने ना माने नाई जे से तार माने मैथमेटिक्स एनालिसिस एबिलिटी बेसी अछि नेक्स्ट कौन दीजिए एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिस वन गोटे को भी सिचुएशन टाकू आम जितेबेले परफेक्टली एनालिसिस कर परबा सेतेबेले आम कहि परबा जे एटा कौन टॉप मोस्ट लेवल रे अछि तो कौन हेगला ऑप्शन नंबर बी हे जेबो तार करेक्ट आंसर चला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए Which characteristics indicates the organization of mathematics curriculum? कौन दीजिए Which characteristics indicates the organization of mathematical curriculum organization रे को characteristics रहिबा कथा कौन दीजिए systematic presentation obviously mathematics curriculum रे तमर सब जिनस systematic रहिबा कथा next कौन दीजिए systematic and sequential arrangement of content सब देखो माने for example धरा जो तमे पिला को addition subtraction सिखैनो डायरेक्ट जाके मल्टीप्लिकेशन आउ डिवीजन तो सीखे पारवानी तेनालीराम सिस्टमेटिक आउ सिक्वेंशियल रहइबो नेक्स्ट कोन हला इंटर रिलेटेड टॉपिक कोन हला ऑब्वियसली गोटे टॉपिक सहित आ गोटे टॉपिक रो तमे देखथिबो रिलेशन थाय ही तेनालीराम कोन हला सब टॉपिक गुडा इंटर रिलेटेड थांती तो कोन हेगला ऑल ऑफ द अबव तो कोडा एप्रोप्रिएट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी इज द एप्रोप्रिएट आंसर जेतेबेले भी क्वेश्चन देखिबो फर्स्ट देखो जणे कोन करबे ना फर्स्ट ऑप्शन को देखला टिक मार गेला सेमती बिल्कुल भी करबानी सब ऑप्शन गुडा को फर्स्ट थरे पढ़ी नबो कोडा तमरो एप्रोप्रिएट आंसर होउची नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दीची ए लर्नर अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर व्हिच एबिलिटी ऑफ लर्नर इज इंडिकेटेड बाय इट एडा को लर्नर को एबिलिटी को इंडिकेट करथाय तो तार करेक्ट ऑप्शन हि जीवो कोन देखो कोन कोन ऑप्शन दीची Identification of big and small number एटा तो नुहे next distinguish between big and small numbers एटा भी नुहे next कौन दीजिए understand of sequence of big and small numbers so option number C is the correct option समस्त तुमको ये तीन वजन तो बुझा पड़ला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन 117 एथिर को आरे इंडक्टिव डिडक्टिव रु पुनी दला देखो काली मु तमन को काली का लेक्चर रे मु समस्त को इंडक्टिव कौन डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स कौन एनालिसिस सिंथेसिस डेफिनेशन विथ एग्जांपल बुझै छी समस्त बुझी जा बलसे तो ए क्वेश्चन आंसर दिबे कौन दी छी व्हाइल ड्राइंग डिफरेंट सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइज ए स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट द डायमीटर टचेस द सेंटर एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल is twice its radius which method of teaching mathematics does it indicate ebe mote ko kali samaste recall karo kon kahithili jete bele bi gote particular case ru gote general ba generalization case ku jauthilu seta ku kon ko method ku jauthila eta dekho particular case hetela गोटे फर्स्ट डिफरेंट साइज रो से सर्कल कला गोटे 5 सेंटीमीटर रेडियस रो कला धरा जाओ गोटे 7 सेंटीमीटर रेडियस रो कला डिफरेंट साइज रो सर्कल कला तापर से कंक्लूजन रे पहुंचिला तो कोन होला पर्टिकुलर केस रो से जनरल केस को गला खाली मने पका मु कोन कहितली जेते बेर पर्टिकुलर केस रो जनरल केस को जानती ताको कोन कह जाय ताको कह जाय था इंडक्टिव मेथड समस्ते आउ थरे डिडक्टिव कोन सिंथेसिस कोन एनालिसिस कोन भलसे विथ एग्जांपल देखि दबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए व्हिच मेथड ऑफ मैथमेटिक्स इज फॉलोस इन सॉल्विंग द ज्योमेट्रिकल लॉजिकल प्रॉब्लम काली भी क्वेश्चन टा करी छी पेपर 1 रे तमन करस थिला तो यार कोन हि जीवो करेक्ट ऑप्शन हि जीवो एनालिसिस मेथड रे सबु जति की ज्योमेट्रिकल लॉजिकल प्रॉब्लम सबु सॉल्व करा जाय थाय तो 118 रो आंसर कोन हि गला ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज देखो इंडक्टिव एडा उथर कहूची देखो इंडक्टिव डिडक्टिव एनालिटिक आउ सिंथेटिक ए चारटा पूरा कोन मेथड तार एग्जांपल पूरा फिंगर टिप्स रे मन रहया छ समस्तंकर एडा बहुत ही इंपोर्टेंट इंडक्टिव डिडक्टिव एनालिसिस सिंथेसिस बस एतिकी को बेस करी सब वर्ष मिनिमम दुई तीनटा क्वेश्चन आस्थे तो देखो कोन दिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेज ऑफ इंडक्टिव मेथड
कोटा गोटे इंडक्टिव मेथड रो एडवांटेज नु है नेक्स्ट कोन देची नॉट यूजफुल टू सॉल्व ऑल द मैथमेटिकल प्रॉब्लम देखो फर्स्ट रे से ना सब गुडा को हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम गुडा को सॉल्व कर देबा इंडक्टिव मेथड रे माने फर्स्ट एग्जांपल लेबा नेक्स्ट जनरल केस को लेबा किंतु ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सेमते सॉल्व करिया पॉसिबल की पॉसिबल नु है तोटा कोन हेला टाइम होला करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट कोन छी टाइम कंज्यूमिंग मेथड ऑब्वियसली फर्स्ट तुम गोटे रो प्रूफ कल जेटे ठीक हो सेकंड एग्जांपल ले लो प्रूफ कल ठीक हो थर्ड एग्जांपल ले लो प्रूफ कल ठीक हो प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत टाइम दिन हम तुम मन को सब स्टेटमेंट प्रूफ करियार अछि पुनी सेथिर गोटे जनरल कोन बाहर छि ताको बाहर करियार अछि तो एटा कोन हैला इट इज आल्सो ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नेक्स्ट कोन दे छि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी इन एरर फाइंडिंग बहुत समय कौन धर फास्ट बाहर सेकेंड रे में भी बड़ ना किसी डिफिकल्टीज यू मे फेस तो कौन होगा ऑप्शन नंबर डी सब गुड़ा तार सब जी मेथड्स रो मेरिट्स अच्छी डिमेरिट्स अच्छी मोस्ट ऑफ सब जगह टाइम कंज्यूमिंग गोटे कमन डिमेरिट्स था तो देख ऑल ऑफ द अबव ए गुड़ा सब गुड़ा हूँ कह रही इंडक्टिव मेथड रो डिसएडवांटेज आज लास्ट क्वेश्चन एटा कौन दी 120 मैथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गला कौन हो गला देख ए प्रोजेक्ट वर्क वाज असाइन टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सेलिब्रेशन ऑफ गणेश पूजा इन ए स्कूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट कोटर गोटे प्रोजेक्ट को रिलेटेड नुहे देख फर्स्ट ऑप्शन रे कौन दी मेकिंग डेकोरेशन एंड अरेंजमेंट ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नेक्स्ट कौन दी कलेक्शन कलेक्टिंग फीस फीस कलेक्ट करवा टाइप गोटे पार्ट नेक्स्ट परचेजिंग पूजा मटेरियल पूजा सामान किनबा भी गोटे तारो पार्ट किंतु लास्ट ऑप्शन कौन दी राइटिंग एसे ऑन गणेश पूजा ऑब्वियसली जो गणेश पूजा अरेंजमेंट हो जी सेथरो एटा पार्ट नुए सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन तो 120 रो कोडा हि जीवो 120 रो करेक्ट ऑप्शन हे गला ऑप्शन नंबर डी 2013 जो ओटीटी रो पेपर 2 रो मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट हेला यार डिटेल एक्सप्लेन आंसर पीडीएफ तुम मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जीवो मु टेलीग्राम रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे पिन कर दी जदि वीडियो टी भल लगी थी तबे निश्चय लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे आउ को एग्जाम रिलेटेड आपन वीडियो चाहूँ तार निश्चय कमेंट सेक्शन में जनइबे और आज सेसन आपन मन को केमती लगला सेटा निश्चय डेफिनेटली जनइबे थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।